टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, इवेस चौराहा, मेरठ। मेरठ के हस्तिनापुर इलाके के रामलीला ग्राउंड कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पीएनबी बैंक मैनेजर की 8 माह की गर्भवती पत्नी और 5 वर्षीय बेटे का शव बरामद हुआ है। बता दें कि हत्यारों ने मां और बेटे की हत्या कर शव को बेड के बॉक्स में डाल दिया और घर का ताला लगाकर फरार हो गए। बताया गया है कि हत्यारे जाते समय अपने साथ स्कूटी भी ले गए। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त महिला का पति घर पर नहीं था। जैसे ही बैंक मैनेजर संदीप कुमार शाम को घर पहुंचे तो उन्होंने घर के बाहर ताला लगा हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने अपनी 25 वर्षीय पत्नी शिखा के मोबाइल पर कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर उन्होंने इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात होती देख उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। बता दें कि एक कमरे के बेड के अंदर शिखा और दूसरे कमरे के बेड के अंदर उनके 5 वर्षीय बेटे ऋषांक का शव था। बदमाशों ने दोनों के हाथ बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा ठूंस रखा था। पुलिस का अनुमान है कि वारदात को दिन में ही अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक महिला का पति संदीप बिजनौर में पीएनबी शाखा में मैनेजर पद पर कार्यरत है। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत कल शाम को 8 बजे एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके जो पत्नी है और उसका जो बच्चे हैं वो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके घर में ताला लगा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी जो पत्नी है और बच्चे हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया गया। 1-2 घंटे में जब बच्चे और पत्नी का पता नहीं चला तो उपरोक्त जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा स्वयं अन्य लोगों की मौजूदगी में अपने घर का ताला तोड़ा गया और अंदर जाकर देखा गया तो अंदर कमरे में उनकी जो पत्नी है और जो बच्चा है वो वहाँ पर मृत पाए गए। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा था कि संभवतः गला घोटकर इसमें हत्या की बात प्रतीत हो रही थी और जो व्यक्ति हैं उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और जो मायके हैं मायके वालों को भी सूचित इसमें कर दिया गया था और वो भी जल्द ही पहुँचने वाले हैं और घर वालों के द्वारा इसमें कुछ लोगों के ऊपर शक व्यक्त किया गया है और उसके आधार पर पुलिस की अभी छानबीन चल रही है और अभी वार्ता करके तहरीर प्राप्त की जा रही है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दोनों का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मृत्यु का जो कारण है स्पष्ट कारण है वो पता चल सके और इस पूरे प्रकरण में सभी पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है जिससे कि जो हत्या के जो कारण है उसका पता चल सके और जो अभियुक्त हैं उसको गिरफ्तार किया जा सके।